हम इसी में आगे बढ़ रहे हैं सीरीज सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर 2 हम आपको भेज चुके हैं, तो हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में आगे बढ़ रहे हैं। और जब रूट्स, अभी हमने जो इसके पहले लेक्चर 2 में बताया था उसमें रूट्स आर डिस्टिंक्ट थे, लेकिन एक कंडीशन थी, उन दोनों के रूट डिस्टिंक्ट होने के साथ साथ में जो रूट्स थे m1 m2 उन दोनों का डिफरेंस नॉट इंटीजर था, स्पेशल चीज थी एक चीज। ये मैंने डिस्कस आपसे करा था लेक्चर 2 में अपने, ठीक है, यू कैन वॉच माई यूट्यूब लेक्चर। ओके, नाउ हम केस सेकेंड में आ रहे हैं, व्हेन रूट्स आर इक्वल, इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स जब हों आपके वो इक्वल हों, तब इसमें क्या होता है। तो इक्वेशन आपकी ये दी हुई है जहां पे पी एन एक्स, पी एन क्यू दोनों एक्स के फंक्शन है। ओके, पी एन क्यू बोथ आर नॉट एनालिटिक, क्योंकि जब एनालिटिक नहीं होंगे वही सिंगुलर बात, सिंगुलर की बात आएगी, किसी एक पॉइंट पे सिंगुलर एनालिटिक नहीं है। बट एक्स पी, एक्स का मल्टीप्लाई पी में कर दें और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर क्यू में कर दें, देन इट विल बी एनालिटिक। ओके, ठीक है। तो इसे जब ऐसा केस होता है तब हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा x0 पे ये जो इक्वेशन है ये हमारी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट दे रही है, बिकॉज हमारा सिंगुलरिटी हट रही है। अभी सिंगुलर है, एनालिटिक नहीं है फंक्शन, लेकिन अब फंक्शन एनालिटिक हो गया। ओके, तो इस मतलब कि यहाँ पे होता क्या है, ये x लिखा हुआ है बट यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट, जिस पॉइंट पे सिंगुलरिटी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसा केस अगर होता है तो सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन इन सीरीज विल बी y इज इक्वल्स टू c1 y एट m1 प्लस c2 y का, क्योंकि अगर आप m2 में दिख दोगे तो m1 m2 सेम है, तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमेशा होते हैं, तो पार्शियली इसका डिफरेंशिएट कर दें x के रेस्पेक्ट में, नहीं m के रेस्पेक्ट में। ओके, और वैल्यू रख दीजिए, बिकॉज m1 is m2, सो हम लोग ये इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, नाउ टेकन ए क्वेश्चन, सॉल्व इन सीरीज, दिस इज द क्वेश्चन। एंड जो हम आपसे बात कर रहे थे वो हम किसकी बात कर रहे थे, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की, और व्हेन डिस्टिंक्ट रूट हमारे इक्वल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं पी, इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इसका कोफिशिएंट शुड बी सिंगल होना चाहिए। तो पूरी क्वेश्चन को हमने डिवाइड कर दिया इससे, 3x-1 इस चीज से, फैक्टर से हमने डिवाइड कर दिया, सो दैट हाईएस्ट ऑर्डर का कोफिशिएंट शुड बी सिंगल 1। ओके, लाइक दिस, ठीक। नाउ पी इज व्हाट, पी इज दिस एंड क्यू इज दिस, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। यू कैन सी एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे दिस पी इज नॉट डिफाइंड, ये हमारा पी जो है वो डिफाइंड नहीं है। जब p डिफाइंड नहीं है तो, और p q दोनों डिफाइंड नहीं, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 जो है वो नीचे आ रहा है फंक्शन में, तो फंक्शन में नीचे है तो ये फंक्शन को एनालिटिसिटी ब्रेक कर रहा है। तो बोथ p एंड q आर नॉट एनालिटिक एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं है, ठीक है। नाउ अगर हम x, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है x जिस पॉइंट पे हम चेक करते हैं उससे p का मल्टीप्लाई और x माइनस x नॉट के स्क्वायर से q में मल्टीप्लाई, अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो वो सिंगुलर पॉइंट है, इसका मतलब। अब सिंगुलरिटी किस टाइप की है, रेगुलर सिंगुलरिटी है कि इररेगुलर के लिए क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई। यहाँ पे x नॉट की वैल्यू 0 है तो हम क्या करेंगे, x इंटू p करेंगे। जब x इंटू p करोगे यू विल गेट व्हाट, दिस। एंड एक्स स्क्वायर इंटू क्यू करोगे देन यू विल गेट व्हाट, दिस। सो अब आप देख रहे हैं ये एक्स से फ्री हो गया, नीचे एक्स नहीं है, एक्स बराबर। सो हम कह सकते हैं बोथ दिस एंड दिस आर
आर एनालिटिक एट एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो पे ये एनालिटिक हो गया. हेंस क्योंकि एनालिटिसिटी रिमूव हो गई, हेंस वी कैन से एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द रेगुलर सिंगुलर. एनालिटिक फंक्शन नहीं होता है इसका मतलब सिंगुलर पॉइंट है. अब सिंगुलर पॉइंट कैसा है, रेगुलर है कि इररेगुलर है, वो इस प्रॉपर्टी से चेक करते. अगर ये करने के बाद भी फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है तो हम लोग कहते हैं इररेगुलर सिंगुलरिटी. ओके नाउ एक्स इक्वल टू जीरो इज अ रेगुलर पॉइंट. अब हम हमें क्या करना है, जब रेगुलर पॉइंट हो जाता है तो हम जब रेगुलर पॉइंट हो जाता है तो लेट सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू समेशन a के x की पावर. हमने लास्ट टर्म में भी आपसे बोला है ये हमारा तीसरा लेक्चर है सीरीज इन सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन इन सीरीज का. यहाँ पे हम लोग जब सिंगुलर पॉइंट आता है तो हमेशा सॉल्यूशन ये मानते हैं, ठीक है, वेयर k इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी. ओके नाउ y इज इक्वल टू दिस इज द सॉल्यूशन. ये जब सॉल्यूशन है तो हम ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमने dy बाय डी एक्स निकाल दिया जो कि क्या आ जाएगा, ओके डी टू वाई बाय डी एक्स टू. ओके ये तीनों मान, ये तीनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए. ओके देन यू विल गेट तो हमने इसको पुट कर दिया इसमें वैल्यू इसमें डी टू बाई बाई डी एक्स टू में और डी वाई बाई डी एक्स को और वाई. देन यू कैन सी इसको ये क्या चीज लिखी हुई है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, एंड दिस फोन थे एक्स स्क्वायर माइनस वन ए के हमने इसकी इसको सॉल्व करा. अब यहाँ पे देखिए x की पावर m प्लस k यहाँ से मिल रहा है और m प्लस k यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, और m प्लस k यहाँ से मिल रहा है, तो इनको हम सबको कलेक्ट कर लेंगे इस वाली पावर में, इस वाली पावर और ये वाली पावर, एंड दिस m प्लस k प्लस माइनस टू अलग है, ये अलग है, इन सबको कंबाइन करके देखते हैं हम लोग. हाँ तो हमने इसको ओपन करा x की पावर m प्लस k, m प्लस k और m प्लस k को कंबाइन कर लिया, m प्लस k माइनस वन, m प्लस k माइनस टू कंबाइन कर लिया, वी विल गेट दिस. नाउ x की पावर m प्लस k है यहाँ पे, m प्लस k माइनस वन है, विच वन इज द लोएस्ट, क्योंकि हमें लोएस्ट पावर पकड़नी है, तो लोएस्ट पावर ऑफ x कौन सी होगी, क्योंकि m k हमेशा हम लोग k को हम लोग पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, k विल नॉट बी नेगेटिव. सो k को अगर जीरो से स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ m माइनस वन मिल रहा है, यहाँ से करेंगे यहाँ इस पे रखेंगे तो यहाँ पे m मिलेगा. हम बार बार कह रहे हैं आपसे ओपन मत करिएगा, m प्लस k फॉर्म से करिए आंसर जल्दी आएगा. k बराबर जीरो रखा अगर हमने सेकंड वाले में, इसको सेकंड बोल दीजिए और इसको फर्स्ट बोल दीजिए, तो कोफिशियंट ऑफ लोएस्ट पावर क्या है, कोफिशियंट ऑफ x की पावर m माइनस वन विल बी जीरो. और कैसे आएगा, पुट k इज इक्वल टू, पुट k इज इक्वल टू व्हाट, m माइनस वन है ना, तो k बराबर जीरो इन सेकेंड, ठीक है, तो k बराबर जीरो रखना है, इससे नहीं मिलना है तो इसको छोड़ दिया हमने, सेकेंड में रख रहे हैं, तो k बराबर जीरो रखा, k बराबर जीरो रखा, सो दिस इज, सो a नॉट विल नॉट बी जीरो, a नॉट जीरो नहीं हो सकता, विच गिव्स m स्क्वायर बराबर जीरो, सो m इज इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो, तो रूट्स आर सेम, सेम रूट्स हो गए, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी वन एट m इज इक्वल टू जीरो एंड सी टू वाई डेल y ओवर डेल m और m इज इक्वल टू जीरो. नाउ नेक्स्ट लोएस्ट पावर क्या होगी, देखिए कोफिशियंट ऑफ x की पावर m माइनस वन हो चुका है, तो अब नेक्स्ट कोफिशियंट ऑफ x की पावर m होगा, ठीक है, x की पावर n कैसे मिल सकता है, जब हम k को जीरो रख दें इन फर्स्ट में और x की पावर m, यही है मेन रिलेशन, ठीक है, x की पावर m चाहिए,
एस की पावर एम, के को वन रख दें तो एस की पावर एम मिल जाएगा। तो के को वन रखें इन सेकेंड, ओके। नाउ के को जीरो रखा इन वन, इन वन फर्स्ट पार्ट में के को जीरो, ध्यान से ए नॉट देन एम देन एम माइनस वन प्लस थ्री एम, के को क्या रख रहे हैं, के को जीरो रख रहे हैं, सॉरी थ्री एम, थ्री एम प्लस वन, ओके। एंड के को वन रख रहे हैं क्योंकि वन रखेंगे तभी एक्स की पावर एम मिलेगा, तो वन रखेंगे तो ए वन, वन रख रहे हैं तो एम प्लस वन का होल स्क्वायर, ओके। सॉल्व दिस, इसको सॉल्व किया तो दिस विल गिव एम प्लस वन का होल स्क्वायर, ए नॉट ए वन, ओके। तो फाइनली फाइनली ए वन इज इक्वल टू ए नॉट आ, ओके। नाउ अगेन कोफिशिएंट किसका लेंगे हम, एक चीज आ गई ए वन इज इक्वल टू, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम माइनस वन हो चुका, एम हो चुका, नेक्स्ट एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एम प्लस वन कैसे मिल सकता है, पुट के इज इक्वल टू वन इन फर्स्ट पार्ट, और एम प्लस वन यहां से कैसे मिल सकता है हमको, के बराबर टू इन सेकेंड पार्ट, ओके। तो इससे हमें क्या रिलेशन मिल जाएगा, ओके, के बराबर वन रख दिया तो ए वन, के बराबर वन रखना है, के बराबर वन रखना है, एम मिला थ्री, के बराबर वन रखना है एंड प्लस वन, ओके। नाउ के बराबर टू रखना है इसमें तो ए टू, एम प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ओके। इसको सॉल्व किया हमने, ओके, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इससे रिजल्ट अगेन ए टू इज इक्वल टू ए नॉट मिल रहा है। सिमिलरली कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एम प्लस टू बराबर जीरो रखेंगे तो ए थ्री इज ऑल्सो ए नॉट के इक्वल, ऐसे ही आपको मिल जाएगा ए फोर इज ऑल्सो ए नॉट के इक्वल। नाउ सॉल्यूशन क्या होता है, सो फाइनली ए वन ए टू ए थ्री इज इक्वल टू ए नॉट, ओके। सो सॉल्यूशन वाई इज इक्वल टू था क्या हमारा, समेशन ए के एक्स की पावर एम प्लस के, के इज जीरो। अब हम देखिए लास्ट में ओपन कर रहे हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, के को जीरो पुट करा, के को वन, देन के को टू एंड सो, फिर एक्स की पावर एम कॉमन ले लिया, अब वैल्यू रख दी इसकी, ए नॉट ए वन सब इक्वल है तो ए नॉट बाहर हो जाएगा, ए वन को ए नॉट, ए टू को वन एंड ऑल दीज, एक्स की पावर एम कॉमन हो गया। थोड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इजी नहीं मीन्स थोड़ा ऐसा हो रहा है कि सब वैल्यूज इक्वल आ रही है, ओके। नाउ दिस इज वाई, अब आपको क्या करना है, वाई एट एम, वाई एट एम इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू एट एम इज इक्वल्स टू एम की दो वैल्यू, एम की दो वैल्यू है, एम की जीरो और जीरो। नाउ एम इज इक्वल्स टू जीरो पुट करा, एम इज इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे, एक्स की पावर जीरो इज वन, एनीथिंग की पावर जीरो इज वन, ओके। तो ये आपका वाई वैल्यू एम इज इक्वल्स टू जीरो में हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है एम के रेस्पेक्ट में, एम के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, ओके। तो ए एम ए एक्स एम माइनस वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो, ठीक है। एक्स की पावर एम का अगर हम डिफरेंश, अच्छा एक सेकेंड, एम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना बेटा, गलती हो गई, एम के रेस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो ए की पावर एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, ओके। सो अगर एक्स की पावर एम का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन एम के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा एक्स की पावर एम ए नॉट लॉग ऑफ ए आता है, तो लॉग ऑफ एक्स आएगा, ठीक है, करेक्ट। नाउ ये दिस थिंग तो कांस्टेंट की तरह वर्क करेगी, सेम एक्स, ठीक है। इसको हम एम की वैल्यू इस पे जीरो पुट कर देंगे, एम की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो वी विल गेट ए नॉट लॉग एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ओके। तो ये वैल्यू आ गई, तो फाइनली सॉल्यूशन क्या होता है, सी वन वाई एट एम इज इक्वल टू जीरो प्लस सी टू डेल वाई ओवर डेल एक्स
डेल एम एट एम इज इक्वल टू जीरो. तो सी वन बाई ए नॉट इस वैल्यू को रख दिया और प्लस सी टू इस वैल्यू को रखा, ए नॉट लॉग एक्स वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो. ओके, वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया. ओके, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये पूरे से कॉमन लिया हमने, तो यहां से आ जाएगा सी वन ए नॉट और प्लस सी टू ए नॉट लॉग एक्स. ठीक है, अब इसको आप नया नाम रख सकते हो, उसको एक कांस्टेंट ए बोल सकते हो, उसको एक बी बोल सकते हैं, वॉट एवर, क्योंकि दो ऑर्डर की इक्वेशन है, दो ऑर्डर की आपकी इक्वेशन है, तो आपकी दो ऑर्डर की ही दो ऑर्डर की क्वेश्चन है, तो दो इसमें कॉन्स्टेंट आएंगे. तो फाइनली वी कैन राइट द आंसर दिस लॉग एक्स. तो दिस इज द सॉल्यूशन इन सीरीज ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन यू विल गेट 10 आउट ऑफ 10.